हेलो, क्या मेरी बात अजीत मंडल जी से हो रही है? सर, जी मैं छोटू बाबू भोजपुरी अटनाटन मुंबई से बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? सर, मैं तो टनाटन हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सर, दुआ है आप लोगों की। अजीत जी, एक आपका टीजर रिलीज हुआ है पग घुंघरू बांध के, जो धमाकेदार चल रहा है हम भोजपुरी से। क्या जी कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि टीजर अभी तुरंत रिलीज हुआ है और आपका मेरे पास फोन आया। इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस चैनल का। अजीत जी, हमारा तो काम ही यही है। जी नहीं, आप लोग का प्यार मिलता है और सपोर्ट मिलता है तभी हर एक चीज, हम लोग का जो मेहनत है वो सफल हो पाता है। और इस गाने के बारे में क्या कहा जाए, ये समझिए कि मेरे लिए सबसे बड़ा गाना है जो मैं आज कितना खुश हूँ, मुझे इसका अंदाजा मैं आपको नहीं बता सकता कि बड़े दिन से इस वर्क चल रहा था, 4-5 महीनों से काम चल रहा था, फाइनली आज मार्केट में आया है। सही अजीत जी, पिछले दिनों आपका जो एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जय जय शिव शंकर, वो भी एक रिमिक्स सॉन्ग था, और ये भी ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन के गाने का ही रिमिक्स है। कुछ जी, बताएं, गाने में कैसे ख्याल ख्याल आया आपको ये लिखने का, और खेसारी जी के लिए ही क्यों लिखा? देखिए गाना को बड़े तारीकियों से हम लोग वर्क करते हैं गाने पे कि अभी तो क्योंकि अब रिमेक का जमाना ही है। देख रहे हैं बॉलीवुड में भी सारे गाने रिमेक चल रहे हैं, टीसीरीज के या अदर कंपनियों के भी सारे गाने चल रहे हैं। तो हमारे पास भी एक ऐसी कंपनी थी जिनके पास बहुत सारे हिटेड गाने थे जिनको रिमेक करना था, और ये भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात थी कि सारे गामा ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि रिमेक करें, तो हमें भी सारे हिट गानों पे काम करने का और अपने लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो हम लोगों ने सोचा और मेरे माइंड में चीज आया कि हम घुंगरू पे काम करते हैं, फाइनली गाना अच्छा लगा। और खेसारी जी के साथ की बात रही तो उनको भेजा गया और उनको बहुत अच्छा लगा गाना और एग्री हो गए। फिर मुझे कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिला कि कहीं और जाए। और चलिए, अच्छा है, तो बहुत बहुत बधाई आपको अजीत जी। और आगे कौन कौन सी प्रोजेक्ट अभी आने वाली है? और क्षमा चाहता हूँ, मैं शुरू में नहीं बोल पाया, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, तो क्या आपकी आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई अपराध नहीं है, ये तो जो भी हम लोग काम करते हैं सब दर्शकों के लिए ही काम करते हैं और ये आपके जरिए जा रहा है दर्शकों के लिए, तो ये और अच्छी है कि अच्छी बात है कि इस बहाने ही सही हम दर्शकों से फिर रूबरू होंगे। तो चलिए, तो इसके अभी लिए कौन कौन सी प्रोजेक्ट आपके आने वाली है, और खेसारी जी के साथ कौन कौन सी प्रोजेक्ट है? अभी ये जो 2 महीना बाकी है 2021 का, तो इसमें अभी 4 से 5 गाने आ रहे हैं खेसारी जी के साथ और सारे गामा के साथ, और सारे बड़े गाने हैं। और मैं माफी चाहता हूँ, कुछ कंपनी प्राइवेसी होती है, अब हम लोग शेयर अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि अभी आग लगाने वाले गाने बाकी है जो मतलब इन 2 महीना जो पूरा बुक रहेगा यूट्यूब, और ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिस दिन मेरा जो इसके बाद जो गाना आना है वो जी, ऐसा गाना है कि जिस दिन रिलीज होगा मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि पूरी यूट्यूब हैंग होने वाली है उस दिन, इतना चलिए बड़ा गाना है। हमें भी इसका इंतजार रहेगा। अजीत जी, खेसारी जी के लिए आप इतने गाने लिख रहे हैं, क्या पर्सनल रिलेशन है उनके साथ? पर्सनल या प्रोफेशनल तो नहीं बता पाएंगे लेकिन रिलेशन अच्छा है ये कह सकते हैं। पिछले दिनों आपका एक सोशल मीडिया पे भी फोटो वायरल हुआ था खेसारी जी के साथ, मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन पहले, इस बारे में आप क्या जी कहेंगे? अभी हम लोग 4 दिन से कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में थे, हम लोग 4 दिन से कंटिन्यू गाना रिकॉर्ड कर रहे थे उनके साथ, मतलब पूरा दिन पूरा रात तक हम लोग स्टूडियो में ही थे। उस बीच में काफी फोटोज हुए, काफी बातचीत हुई, काफी प्रोजेक्ट पे चर्चा हुआ और काफी अच्छे अच्छे गानों पे भी चर्चा हुआ। अच्छा, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं और उनका जो हम एक लिरिसिस्ट हैं और इज द वेरी टैलेंटेड लिरिक्स राइटर, सिंगर तो हैं ही लेकिन इतने अच्छे लिरिक्स राइटर हैं कि उनसे बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, उनसे एक जुनून मिलता है, उनसे कैसे हमें काम करना है ये सारी चीजें बहुत ऑब्जर्व करते हैं हम लोग जब उनके साथ होते हैं, तो एक अलग एनर्जी मिलती है। ये वो 3-4 दिन गुजरा है, कैसे गुजरा है वो पता ही नहीं चला, और इसमें से बहुत सारे हम लोगों ने काम किया और रिलेशन मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और आदमी तो
क्या कह सकते हैं, कुछ कुछ यादें बताना चाहेंगे, वो सुखद अनुभव पल कौन सा था खेसारी जी के साथ आपका? बीते 3-4 दिन पहले हम लोग एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और वहाँ पे हम 2-3 लोग थे, गाना भी नहीं बता सकते, गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, एक एक वर्ड पे हम लोग गाना एक एक वर्ड पे हम लोग काम कर रहे थे और उसमें उनका उनके साथ वो रिकॉर्डिंग का जो मेरा अनुभव रहा, इतना प्यारा अनुभव रहा। अच्छा, इतने बड़े स्टार मतलब ट्रेंडिंग स्टार, इंडिया नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार, और उनको कोई एतराज नहीं, मतलब उनके पास लगता ही नहीं है स्टार के साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक एक वर्ड पे काम करते हैं, भैया यहाँ थोड़ा सा ये, यहाँ थोड़ा सा ये, और उसको 10 बार करते हैं वो, मतलब थकना तो पता नहीं, उनको भगवान का वरदान मिला है कि उन्होंने थकना कभी सीखा ही नहीं या उनको आता ही नहीं। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आपका भी प्यार हमेशा मिल रहता है, और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सब लोग को बोलेंगे चैनल से जुड़िए और एक सच्ची और अच्छी खबर और तेज खबर सुनने के लिए भोजपुरिया सनातन को सब लोग सब्सक्राइब करें। अजीत जी अगर आपकी गाने रिलीज हो जाती है तो मैं संपर्क करूंगा आपसे फिर रूबरू इंटरव्यू, फोन पे नहीं। जी जी एकदम 20 तारीख को गाना रिलीज, हम लोग 20 तारीख को मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, थैंक यू सो मच सर, आपको वेलकम।